हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू किसान अकेडमी डॉट कॉम अगेन। आज हम रोजाना की भांति द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आए हैं, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें मुझे निकालने में सुबह ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज की और 4 घंटे लगे। इसका मतलब आप 4 घंटे नहीं दे सकते, कोई भी एस्पिरेंट नहीं दे सकता लगातार 4 घंटे। इसका मतलब उसको मैंने आधे घंटे में स्क्वीज कर दिया, आपका 3.5 घंटे आज मैंने बचा दिए। उससे पहले मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहूंगा। कल मैंने आपका GS 1 और GS 2 का पेपर देखा और क्रिटिकली एनालाइज किया। पेपर डिफिकल्ट है, नो डाउट, बट उसमें 125 नंबर कैसे आएंगे वो मैं बताता हूँ। एक तो ये है कि हमारा जो सिस्टम है पिछले 1 महीने से जो हम कर रहे हैं, ये परफेक्ट मॉडल है 125 नंबर लेने के लिए। इस तरह का ही पेपर हम रोजाना अटेम्प्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चन आए हुए ना ऐसे क्वेश्चन रोजाना फ्रेम कर रहा हूँ। प्रिलिमरी के तो मैं 100% कर ही रहा हूँ, लेकिन मेन के 4-5 क्वेश्चन रोज देने का मतलब ये है कि उसमें से एक भी आ गया तो आपके 10 नंबर या 15 नंबर आ जाएंगे। दूसरा, मैंने देखा है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपके टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में आपके पास 180 मिनट है। इसका मतलब एक क्वेश्चन 9 मिनट का है, 8 मिनट का लगा के चलो, 1 मिनट सोचने पर लग जाएंगे। जो आपका टॉपर है वो भी 20 क्वेश्चन नहीं करता कभी भी, एक दो क्वेश्चन रह जाता है, कर तो देता है लेकिन वो गलत ठीक जैसे भी तुक्का मारता है वो नहीं। एक्चुअल में जो है बच्चे ज्यादातर जो टॉपर बच्चे हैं, रैंकर वन है, वो 16-17 क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है, जैसे न्यूज पेपर की रोजाना, दो न्यूज पेपर की, इसमें आप 19 तक आपको पहुंचाएंगे या 20 तक कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने देख लिए सारे क्वेश्चन वही है जो न्यूज पेपर में, और करीब करीब जो ये 250 नंबर का, 500 नंबर का कल हुआ है आपका मेन एग्जामिनेशन, 500 में 200 से 250 नंबर का आपका करंट का न्यूज पेपर से है। स्टैटिक के साथ भी न्यूज पेपर जुड़ा हुआ है, उस स्टैटिक का मैं बाद में कभी बात करूंगा। तो ये हमारा जो मॉडल है परफेक्ट है। इसमें आप देख चीज देखना, मेरी जो वीडियो है उसमें डिस्क्रिप्शन में रोजाना 3-4 क्वेश्चन होते हैं, रोजाना आपको 3-4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन ही मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन आप हर वीडियो की देखना। दूसरा, थंबनेल में जो न्यूज देखोगे उसमें भी क्वेश्चन छुपे हुए हैं बहुत सारे, प्रिलिमरी के और मेन के। तो कितनी अच्छी बात है, इतनी मेटिकुलसली प्लान करता हूं मैं अपने डिस्क्रिप्शन को। उसके बाद ये जो डेली क्वेश्चन वाली हमारी स्ट्रेटजी है, ये कहीं पे भी इंडिया में नहीं है। इस समय रोजाना 30-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 4-5 क्वेश्चन मेन के अटेम्प्ट करने, और मेन के क्वेश्चन वो होते हैं जो नेशनल इंपोर्टेंस के, पार्लियामेंट्री इंपोर्टेंस के। तो ये स्ट्रेटजी जो है कहीं पे भी नहीं है, ये आपको बड़ा पे करेगी मेन में भी और प्रिलिमरी में भी, और 125 नंबर तक पहुंचाने में इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। चाहे सेम क्वेश्चन ना आए, सेम आएंगे भी नहीं मेन में, कभी रिपीट नहीं होता जनरली एक भी क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन नेशनल इंपोर्टेंस के इस साल है वो तो आएंगे, उनमें से आएंगे। मान लिया मैं 50 बताता हूँ तो 5 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन बैंक में होते हैं। मान लिया क्वेश्चन बैंक 500 क्वेश्चन बैंक का है, आपसे पूछ लिए 40 क्वेश्चन, तो 500 में से 40 देंगे, तो क्वेश्चन बैंक में तो है, कोई भी पूछ सकते हैं। तो चाहे वो सेम क्वेश्चन ना पूछे जो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे मिलता जुलता पूछ लें, और मैं एक क्वेश्चन का बीच में बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछा है इसमें कल, वो आज मैं क्वेश्चन एक बताऊंगा आपको, मैंने क्वेश्चन एक फ्रेम किया है कैसे किया है। और पिछले दिनों मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, डाटा पॉइंट में एक आया था वुमन सुसाइड पे, 5-6 पॉइंट थे, सिंपल सा आर्टिकल था, वो 5-6 पॉइंट जो है 10 नंबर के पूछ रखे थे, सिंपल 5-6 पॉइंट वो लिख दिया आपने, उसमें 7-8 नंबर आराम से आ जाते। तो डेटा पॉइंट, ओपिनियन पेज, एडिटोरियल पेज हिंदू का, और हिंदू का FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन संडे को आता है, और साइंस पेज संडे का साइंस पेज, ये आपके पेनेशिया है 125 नंबर लेने के लिए और प्रिलिमरी में 110 नंबर लेने के लिए। और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज, यदि आप ये नहीं पढ़ते तो आपके मार्क्स उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली कम होते जाएंगे। तो अब हम चलते हैं सीधा हिंदू की न्यूज पे, पेज नंबर 1 पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके प्रिलिमरी के लिए, और मेन में भी आप लिख सकते हैं कुछ ना कुछ इसमें। ये लिखा है ट्रेल गार्ड AI कैमरा अलर्ट सिस्टम, क्या है, कहाँ पे लगाया जा रहा है। कोई आपको लिखेगा ये पुलिस वाले यूज कर रहे हैं, कोई आर्मी वाले यूज कर रहे हैं बॉर्डर पे, आपको बहुत सारी च्वाइस होंगी। ये हम जो है पोचर्स के इस्तेमाल कर रहे हैं और मूवमेंट देख रहे हैं टाइगर्स की, नेशनल पार्क में कूनो में, वहां पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो ये यदि आपको क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत आसान है। ये देखिए क्वेश्चन मैंने निकाला है ऐसे, कि ऐसे क्वेश्चन मैंने कल देख रहा था आपके प्रिलिमरी में आए हुए हैं, मुश्किल नहीं है। जैसे कल होमगार्ड में देख रहा था बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जैसे होमगार्ड का पूछ लिया, NCC का पूछ लेंगे अगली बार, ऐसे मतलब जो है
ये क्वेश्चन, जैसे ट्रेल गार्ड एआई कैमरा है, अलर्ट सिस्टम, ये आज पहली बार आया न्यूज़पेपर में, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है। और इंफ्रा रेड सेंसर है इसमें, ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कौन सा सेंसर है। अब ये पेज नंबर 6 पे, ये तो एक क्वेश्चन 100% आएगा, ये तो क्वेश्चन बैंक में इस तरह कई क्वेश्चन है यूपीएससी के। मैं बार बार आपको इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोपियन कॉरिडोर के बारे में कई दिन से एक्सप्लेन पेज में भी था, हिंदू में भी, आज भी दो आर्टिकल हिंदू में है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले मैप देखिए, मैप में मैंने कुछ निशान लगाए हैं, ये इतने पता नहीं चलता किस कंट्री में, लेकिन मैंने अलग से, आप ये देखिए कितने कंट्रीज में गुजरेगा हमारा ये कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मिडल ईस्ट से सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे कंट्री, इसराइल, फिर यूरोप में जाएगा किस कंट्री में, सारे कंट्री आपने देखना है कहाँ कहाँ से गुजर, क्योंकि ये जो है इतना इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ये समझिए इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, 1947 के बाद, इतने बड़े कंट्रीज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसलिए ये एग्जाम में आएगा, मेन में भी आएगा, प्रिलिमिनरी में भी एक दो क्वेश्चन आएगा। अब ये देखिए मैंने क्या किया है, आपके लिए निकाल दी, ये इंटरनेशनल पोर्ट्स है, 8 निकाल दी मैंने इसमें, ये आपने क्रैम करनी है कौन से कंट्री में, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। आज मैंने इस पे 8-10 क्वेश्चन बनाए हैं, वो जब आप kisanacademy.com पर जाकर सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने मुश्किल है, लेकिन ये आपने 8 याद कर लिया तो वो क्वेश्चन बड़े आसान है। और ये मैप में देखना आप सब, किस कंट्री में कौन सी पोर्ट है, मैप में जरूर देखना है, क्योंकि ये मैप इतना जो है अभी बहुत क्लियर नहीं है इस कंट्री का कौन सा है, इससे आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, जैसे साउथ अरेबिया का तो पता चल रहा है, लेकिन यूएई की पोर्ट कौन कौन सी है, ये अलग अलग आपने, इजिप्ट की कौन सी है, इजराइल की कौन सी है, ये सारी आपने अच्छी तरह से करनी है। देखिए कितने क्वेश्चन मैंने डाले हैं, कितने क्वेश्चन डाले हैं, कितने आपको कंफ्यूज किए हैं इसमें, यदि आप ये 4-5 क्वेश्चन कर देते हैं तो इसका मतलब आपके 100% इसमें नहीं मार खाते आप, और आपके 110+ आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतने मुश्किल डाल रहे हैं। ये देखिए रहना आप कितने पढ़ो, आप उनको खूब अच्छी तरह से करना। ये फिर जो है कुन्नो चित्ता पे आ गया, कुन्नो चित्ता पे आपका है, मैंने एक मेन में भी डाला है क्वेश्चन और प्रिलिमरी भी आएगा, पिछली बार ये रह गया क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में होता है। एक क्वेश्चन तो ये रह गया भाई किस कंट्री से मंगाए जा रहे हैं, ये आए हैं नामीबिया और साउथ अफ्रीका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और कौन मंगवा रहा है, कौन इसका जो है अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में आती है। तो कितने, अब 8 चित्ते नामीबिया से आए थे, 12 चित्ते साउथ अफ्रीका से हैं, कितने जो ना कैसे वो उनकी डेथ हुई है, और क्या अडेप्टेशन में दिक्कत आ रही है, क्या चैलेंजेस है इस समय, पोलर से है, पोलर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, या कोई इन्फेक्शन हुई है, या कोई इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है, सारे जो ना प्रॉब्लम रीजन आपने याद रखने हैं। और अब हम किस कंट्री से मंगाए और कहाँ छोड़ देंगे, किस नेशनल पार्क में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आगे। अब ये पुणे फिर आ गया, ये हाउ विल मिडल ईस्ट कॉरिडोर इंपैक्ट ट्रेड, ये तो क्वेश्चन ही पूछ लिया है सच, आपके 10 नंबर का 15 नंबर का ऐसे क्वेश्चन देते हैं, कल मैं देख रहा था दोनों पेपर में इस तरह क्वेश्चन डाल रखे हैं। अब इनको मुश्किल कहोगे आसान आपने देखना है, इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने 250 वर्ड्स का पॉइंट वाइज, सब हेडिंग वाइज एक क्वेश्चन आंसर तैयार करो, मॉडल जितने भी 8-10 आर्टिकल आए आगे आते रहेंगे, वो आप जितने सब हेडिंग लिखोगे ना, जैसे मान लिया 10 नंबर का है, 5 सब हेडिंग लिख लिए, तो मेरा, मैं एग्जामिनर होगा तो आपके 7-8 नंबर दे दूंगा, सब हेडिंग लिखने हैं। और कोशिश करो कि ये नक्शा बना दो, यदि नक्शा बना दिया तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, 1-2 नंबर। तो ये आपने अलग अलग, व्हाट इज कॉरिडोर, ये कॉरिडोर क्या है, कैसे जो है ये इंपोर्टेंस है, जियो पोलिटिकल इंपोर्टेंस क्या है, ट्रेड में इंपोर्टेंस क्या है, इसराइल और गल्फ की टाइज इसमें कैसे अफेक्ट होंगी, और इसराइल की जो पोर्ट है जो चाइना के पास है वो अब क्या ट्रीटमेंट करेगी क्योंकि चाइना उसको कंट्रोल कर रहा है, ये सारी इसमें ना बहुत ब्रिकिश है। मैं स्पून फीडिंग तो नहीं करना चाहता, लेकिन आपके नोट्स बनवाने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ। और ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, जब ये शुरू हुआ था, जब ये न्यूज में आया था, उस समय ये 15 नंबर का क्वेश्चन आया था। अब ये जो है आपका इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपका 15 नंबर ये पक्के हैं, लेकिन डिपेंड यह करता है कि आप इसमें 12 लो या 4 नंबर लोगे, ये आप मेरे को kisanacademy.com पे लिख के मॉडल आंसर भेज सकते हैं, मैं चेक करके बता दूंगा, मार्किंग भी कर दूंगा, इवेल्युएशन कर दूंगा आपकी। अब ये कल जो मैं, ये देखिए पेपर देख रहा था प्रिलिमरी का, मैंने कल भी एनालिसिस किया, ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये आपने सुनी नहीं, क्योंकि मैंने भी नहीं सुनी थी कभी, ये 99.9% बच्चे इसको टच नहीं करते ऐसे क्वेश्चन को, ये क्या चीज है बिल्कुल नहीं पता चलता। तो ये जो है पहले तीनों जो है इसके
ठीक आंसर है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का पार्ट नहीं है ये, न्यू दिल्ली से साइड में था ये जो किया गया, क्योंकि जो ये कॉरिडोर बनाया गया ना, इसकी जो फंडिंग है वो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट से आएगी। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीकर सेक्शन का एक आता है, जैसे आपका कल वोमेन कहा गया, ट्राइबल कहा गया। अब ये क्वेश्चन कई साल से नहीं आया, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनका एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, ये कंट्रोवर्सी में काफी आ गया, जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उसने ऑब्जेक्शन किया भी ये सर्वे ठीक नहीं है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो डिसेबल, उन्होंने इंफॉर्मेशन सोशो इकोनॉमिक पूरी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ जो है वो इंफॉर्मेशन दी है जो यूडीआई कार्ड, एक बायोमेट्रिक इनका कार्ड है, वो भरा गया है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, उसकी तो इंफॉर्मेशन ठीक दे दी, लेकिन उसमें काफी इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी। तो अभी मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री ने किया है ये जो सर्वे है, ये होम मिनिस्ट्री ने करवाया, क्योंकि जो सर्वे ज्यादातर कराती है सेंसस के, वो होम मिनिस्ट्री कराती है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस, लेकिन ये सर्वे करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये उसने सर्वे करवाया, ध्यान रखना डिसेबिलिटीज का। इसका फायदा क्या है सर्वे का, एक तो ये है कि जो उनकी स्कीम्स हैं वो लागू ठीक तरह से हो जाएंगी, जो नीडी है उसको कौन जाएगा, एक उनके सर्टिफिकेट मिल जाएंगे उनको, कितनी डिसेबिलिटी है इसकी, वो सर्टिफिकेट ये मिनिस्ट्री उनको इशू करेगी उसके बेस पे। उसके बाद इसमें यह पता चल जाता है कि इस इकोनॉमिक इससे के कोई गलत तो इसमें नहीं आएगा, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है क्या बनानी है, इस सर्वे से यह पता चलेगा आगे क्या स्कीम बननी है, बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि इसका एक सोशल इकोनॉमिक सर्वे का क्या फायदा है, ऐसे ही पूछ लेते हैं मेन में, तो इसमें 8-10 पॉइंट आप इसमें से निकाल सकते हैं आराम से। ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि ये पूछ लेते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन है विद डिसेबिलिटीज किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, जनरली हम सोचते हैं होम अफेयर्स में है, लेबर मिनिस्ट्री में नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जिसने ये सर्वे करवाया है डिसेबिलिटीज का। ये अगेन पेज नंबर 12 पे हिंदू में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर से है, और ये इसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने निकाले। एक तो आमुग गुरुमी डोल्ज है, ये बड़ी पॉपुलर डोल्ज है आमुग गुरुमी, और ये मणिपुर में बनाई जा रही है, जो एथनिक वायलेंस से अफेक्ट हो रहा है, वहां लेडीज बना रही है, वुमेन बना रही है, और ये ट्रेनिंग कौन दे रहा है, 1 मिलियन हीरोज ये कंपनी है, मल्टी प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट कंपनी है चिल्ड्रन की, सिंगापुर की, ये भी पूछ सकते हैं कई बार, और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि इस डोल की खासियत क्या है, ये क्रोचिटिंग है इसमें, मीन्स इसमें सुई जो है छेद कम है, मतलब ये है, ये कॉम्पैक्ट डोल है और ये एक्सपोर्ट होती है, तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से मैंने निकाल दिए। अभी आपसे पूछ रहे हैं कौन से स्टेट से रिलेटेड है ये मणिपुर में मैंने बताया, इतने की बैलेंस जहाँ हो रहा है वहां वुमेन कर रही है कैंप्स में, या अगेन 1 मिलियन हीरोज ये पूछ सकते हैं आप, ऐसी टर्म बहुत पूछते हैं, जैसे मैं बता रहा था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, 1 मिलियन हीरोज, ऐसी टर्म बहुत पूछेंगे, ये सिंगापुर की कंपनी है जो कि इसकी जो ट्रेनिंग दे रही है आमुग गुरुमी डोल्स की, ये सेम उसी तरह से है आमुग गुरुमी डोल्स की जो है उसी पे मैंने बढ़ाई है, 3 क्वेश्चन बन गए, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए, ये जैपनीज आर्ट है। अब ये बहुत ही छोटी न्यूज है, कोई भी मेरे ख्याल में नहीं लेगा इसको, स्टूडेंट्स भी इसको ओवरलुक करें, लेस्बियन कपल इन हांगकॉन्ग, ये कोई खास लगती नहीं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी टर्म है जो मैंने पहली बार सुना, साइंस की टर्म है रेसिप्रोकल आईवीएफ, ये आईवीएफ तो आपने सबने सुनी है, लेकिन रेसिप्रोकल आईवीएफ क्या है, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं निकाल नहीं पाया। एक तो ये इसकी डेफिनेशन देखना कि लेस्बियन कपल कैसे जो है बच्चा पैदा कर सकते हैं रेसिप्रोकल आईवीएफ से, और आईवीएफ में भी एक सरोगेटेड मदर होती है, और एक अभी कानून बनाया 2-3 साल पहले सरोगेटेड मदर का, वो आपने पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन बदल जाते हैं, ऑल टुगेदर नहीं आते हैं, तो इससे जो है जितने भी है ना आईवीएफ से और रेसिप्रोकल आईवीएफ से, इससे आपने सारे क्वेश्चन निकालने हैं। ये मैंने भी एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, इट इज ए फैमिली फॉर्मिंग ऑप्शन फॉर लेस्बियन कपल, ये जो रेसिप्रोकल आईवीएफ। अब ये निपा पे, इससे पहले एक बम्बल बी पे है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जो है कहाँ पे है, जो है किस एरिया में पोलिनेशन करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है यूरोपियन बम्बल बी, सिंपल एक क्वेश्चन प्रिलिमरी का है। उसके बाद निपा वायरस पे रोजाना क्वेश्चन आ रहे हैं, आज ये हिंदू में पेज नंबर 14 पे है,
तो निपा वायरस पे रोजाना कुछ ना कुछ नई खबरें आ रही है, रोज डेली। आप इसमें जो है आपको दो तीन न्यू पॉइंट जो भी मिलेंगे वो आपने नोट करने हैं, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का है, उसका नाम लिखा गया है, कौन सी है वो, ये सारा इन आर्टिकल में आप नोट करते रहना। ये आपके प्रिलिमिनरी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह यूरोपियन बम्बली भी मैंने बताया, ये कोल्ड एरिया के टेम्परेट रीजन में पौधों में पोलिनेशन करती है और बीज बनाती है। अब ये एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे आपका जीएस ये 2 में भी आ सकता है, और ये साइंस के उसमें भी आ सकता है, इंटरनेशनल में भी, साइंस में, दोनों में आ सकता है, कौन से पेपर में आ सकता है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ये G20 के समिट हो रही थी, उसके साइड लाइन में हुआ था, यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने इन्होंने वो किया था, लीड ली थी। तो ये आपने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ये बायोफ्यूल के लिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है, व्हाट इज 1G इथेनॉल एंड व्हाट इज 2G इथेनॉल, व्हाई 2G इज प्रेफर्ड ओवर 1G इथेनॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये बायोफ्यूल्स, इसमें क्वेश्चन भी है, व्हाट आर बायोफ्यूल, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसने जो डेफिनेशन दी है, ये 3 लाइन, ये डेफिनेशन लिखनी है, आपने अपने बना के लिखोगे उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, देगा एग्जामिनर, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये आप डेफिनेशन अपने आप लिख ही नहीं सकते कभी भी। ये 2G का मैंने बता दिया, 2G का है जो है वो एग्रीकल्चर वेस्ट से है, जो कि हम बर्न करते हैं, वेस्ट जाता है हमारा टोटली वहां से है। दूसरा जो प्रोसेस्ड एनिमल रेजिड्यूज है जो वेस्ट जाते हैं, उससे भी 2G इथेनॉल बनाया जा सकता है। और यूज्ड कुकिंग ऑयल जो हम यूज कर लेते हैं, कुकिंग ऑयल फेंकने लायक होते हैं, जो कई बार फ्राई में करते हैं ना, चार चार 5 बार यूज होता है, ट्रांसफेट आ जाते हैं, वो नुकसान करता है बॉडी को, वो जो ऑयल है इसमें यूज कर सकते हैं 2G इथेनॉल में। ये अगेन निपा वायरस में फिर आ गया, इसमें देखिए आप एक एंटीवायरल ड्रग का है, इसका इसकी वो चल रही है ट्रायल, फेवी पीरावीर, अभी देखिए फेवी पीरावीर इसमें लिखा हुआ है। दूसरा इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, उसका नाम लिखा है M102.4, ये आ जाएगा आपको M102.4, वो पूछ लेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, कोई जीन है, क्या है, चार ऑप्शन दे देंगे, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जो हम ऑस्ट्रेलिया से भी मंगवा रहे हैं, इसे स्टोर कर रहे हैं। ये सेफ्रॉन पे बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैगजीन आती है, मैगजीन में एक दो आर्टिकल हर संडे को आता है, हिंदू में आप पढ़ा करो, मैंने भी इसमें आर्टिकल 2 निकाले, आज 2 क्वेश्चन निकाले। सेफ्रॉन जो है, हमें पहली बार तो ये नहीं पता होता ये क्या क्रॉप है, ये मेडिसिनल है, एरोमेटिक है, मसाले वाली है, कैसी है, तो ये कॉन्डिमेंट कॉन्डिमेंट क्रॉप है, मसाले वाली जिसको कहते हैं, मसाला है, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें मैंने कई क्वेश्चन निकाले, एक तो ये किस प्लांट पार्ट से ली जाती है, ये नहीं किसी को भी पता, ये जो फूल होता है ना उसमें स्टैमेंस होते हैं, फूल में ऊपर मेल पार्ट वही लिए जाते हैं, और इसकी बड़ी थोड़ी सी प्रोडक्शन होती है, किलो में आधा किलो में प्रोडक्शन होता है पर एकड़। और अब मैंने इसमें क्वेश्चन ऐसा डाल दिया इसने, बड़ा एक कॉमन अलर्ट रहने के लिए, आप क्या सोच भाई, क्या सिल्वर का प्राइस ज्यादा है या सेफ्रोन का, तो सेफ्रोन तो 2.5 लाख रुपए किलो बिकती है, सिल्वर आपकी 70-75 हज़ार रुपये किलो रहती है। ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन कई बार यूपीएससी निकाल जाती है, इसमें मैंने बहुत डाला है कि बेस्ट क्वालिटी कौन सी है, इसको रेड गोल्ड कहते हैं, इसकी वराइटीज भी मैंने 4-5 दी है अपने क्वेश्चन में, कितने क्वेश्चन इसमें से निकले हैं, जबकि सेफ्रॉन में से कोई क्वेश्चन इसको निकालेगा ही नहीं, ये कोई पढ़ेगा ही नहीं, मैगजीन तो कोई पढ़ता ही नहीं, तो ऐसे जो है पेपर मुश्किल बनाते हैं यूपीएससी। ये देखिए आप मैंने कितने क्वेश्चन निकाले हैं, कौन सी सॉइल इसके लिए सुटेबल है, एक सीमेंट इंडस्ट्री है पुलवामा में, वो न्यूज में आ रही है कई बार, दैट इज ए मेजर थ्रेट टू सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन दैट एरिया, ये कश्मीर में होती है, इसको रेड गोल्ड कहते हैं, मैंने बताया। तो इस तरह की जो है ये चारों स्टेटमेंट ठीक है इसमें, ये क्वेश्चन बनाने जो है इट इज वेरी टफ पार्ट, एक एक ठीक क्वेश्चन के लिए 3 गलत ऑप्शन डालते हैं, वो मिलती जुलती ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, वो मैं करता हूँ, तो इसमें ये भी सारी ठीक है। इसमें क्या लेते हैं हम, कौन से बल्ब जो ना बेस्ट है सेफ्रॉन के आयरिड लेने के लिए, और ये किसी मशीन से नहीं करते, हैंड पिक की जाती है उस टाइम जिसके, और कौन से महीने में, अक्टूबर से नवंबर, और सिल्वर से ज्यादा कॉस्टली बता रेक। इसमें क्या है सबसे बड़ी इसमें दिक्कत है क्वालिटी की, इसमें जो है अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये है। अब कलर जो ना इसका सेफ्रोन का जो कलर अच्छा क्या होना चाहिए उसमें डिपेंड करता है, इसमें एक क्रोसिन होता है केमिकल, वो अच्छा होगा तो कलर अच्छा आएगा, क्रोसिन एक केमिकल है। और इसी तरह कश्मीर सेफ्रोन जो है इसको GI टैग मिला हुआ है, कई बार पूछ लेते हैं ये जो है,
और एक केमिकल है, फ्लेवर जो है सेफ्रनल केमिकल है, उससे पता चलती है। सेफ्रनल ज्यादा होगा तो फ्लेवर अच्छी आएगी। फिर पिक्रोक्रोसिन एक केमिकल होता है, वो इसकी बिटरनेस वो कम होना चाहिए, इसकी ज्यादा है तो बिटरनेस आएगी इसमें। और ये आगे फिर मैंने इसकी टाइप बता दी, इसकी वरायटी लच्छा, मोगरा, एंड्रोक्लैम, पेरियंथ। इतने क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं, ये देखिए घंटा लग जाता है, दो दो घंटे एक एक क्वेश्चन निकालने का। इसलिए आपका ये पेपर, मेरा अब उम्मीद है कि मैं 110 प्लस से भी आपको ऊपर लेके जाऊंगा। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे, और ये जो न्यूज मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये मैंने कल भी डिस्कस की थी, 2 दिन पहले भी की थी। ये एक बिल लाने जा रही है नेक्स्ट वीक में, स्पेशल सेशन का पार्लियामेंट का नेक्स्ट वीक में होगा। स्पेशल सेशन भी देख लेना, कौन बुलाता है, क्या इसमें होता है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल। ये आपने एग्जैक्टली क्राइम करना है, इसमें आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी ना तो आपका मार्क्स कट जाएगा। अब कल मैं पेपर देख रहा था दोनों, GS1 का, GS2 का, इससे मिलता जुलता रहा, ये क्वेश्चन आएगा आपके अगली बार। इसमें लिखा कि सिविल सोसाइटी जो है इसमें क्या रोल अदा कर रही है, इसमें ये भी है, आपको पता नहीं चलेगा सिविल सोसाइटी में इस बिल के अगेंस्ट क्या बोल रहा है, क्या कंसर्न अपना दिखाया है। तो एक ग्रुप ऑफ फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कई बार क्या होता है ये सिविल सोसाइटी ग्रुप कहते हैं इसको, एक ग्रुप ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर्मर, जैसे कई बार फॉर्मर जजेज का एक फॉर्म बढ़िया हुआ है, वो भी सिविल सोसाइटी ग्रुप है। कोई फार्मर्स का है, कोई इंटेलेक्चुअल्स का है, वो भी एक ग्रुप है। फार्मर्स का वो प्रेशर ग्रुप कहते हैं उसको, वो प्रेशर डालता है, तो ये इनको कहते हैं सिविल। इसमें सिविल सोसाइटी ने इंटरवीन किया है इस बिल के प्रति, अपनी नाराजगी जताई है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन के जो है ना, CEC और अदर इलेक्शन कमीशनर दो हैं जो, उनको डाउनग्रेड ना किया जाए, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर ना किया जाए, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर रखा जाए, नहीं तो आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जो इसकी इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है। ये आपको क्वेश्चन वो फॉर्म करके देंगे। मैं तो कई तरह से फॉर्म कर सकता हूँ कि ये बिल है, इसको आप क्रिटिकल एग्जामिन कीजिए, ये कैसे इसका अफेक्ट होगी आपकी ऑटोनॉमी। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस में है आपको। और जैसे मान लिया 15 नंबर का आ गया, तो ज्यादातर बच्चों को क्या आते हैं, 3-4 मार्क्स देते हैं हम, क्योंकि वो लिखते ही नहीं। ये तो सिविल सोसाइटी ग्रुप नहीं याद रहता कौन किसने क्या किया था उस समय तक, 7-8 महीने बाद। इसलिए मैं कहता हूँ रोज की रोज तैयारी करो इसकी, रोज का रोज निपटाओ काम को। अब सिविल सोसाइटी ग्रुप तो आपको पता ही नहीं क्या होता है, ग्रुप ऑफ ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या जजेस कहते हैं, वो सब सिविल सोसाइटी में आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा, जो है पूरा आर्टिकल है, इसको पढ़ के इसके नोट्स बनाओ आप, अगले साल के एग्जाम में लिखने के लिए 10-12 पॉइंट लिख लो, वही 200-250 वर्ड्स का। अब ये फिर मैंने आपके आज करीब करीब 30 से ज्यादा क्वेश्चन, 33-34 क्वेश्चन तो दे दिया मैंने प्रिलिमरी के लिए। और आप एक चीज नोट करना, सारे ही जो है आप IAS, IFS, IPS बड़े बड़े उद्योग पे जाने वाले, उसके लिए एग्जाम दे रहे हैं। एक आप हर क्वेश्चन को आप एनालाइज करो, क्रिटिकल एनालिसिस करो हर क्वेश्चन का, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। जब मैंने इसमें 4 घंटे लगाए तो आपके कम से कम 6 घंटे लगते हैं, क्योंकि मेरा 40 साल का तजुर्बा है और 3 बार मैंने मेन दिया है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आपके मेन के लिए। एक क्वेश्चन और बन सकता था जो मैंने बता दिया, वो इसमें नहीं डाला, जो आपका जो नेक्स्ट वीक बिल आ रहा है ना इलेक्शन कमीशन का 2023 का, जो मैंने अभी बताया कि सिविल सोसाइटी के जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं उन्होंने कंसर्न किए, एक तो वो बनेगा पूरा 15 नंबर का, वो तो आएगा ही, वो इन तीनों चारों में इंपॉर्टेंट है। एक पहला मैंने बनाया, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर डेथ ऑफ कुन्नू चीतास, एट व्हाट मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट इज टेकिंग टू अडेप्ट देम, कि उसकी मौत ना हो, और भी हम मंगवा लें ताकि, और हमारी ये फेल्योर ना हो प्रोजेक्ट जो NTCA ने चालू की है। दूसरा एक क्वेश्चन, ये 15 नंबर का आएगा, 10 का नहीं आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एग्जामिन डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसमें ये भी पूछ सकते हैं, पहले जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बिल था जो, वो क्यों गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया, ये क्या लेके आई, क्या दोनों में फर्क है, एक बार आ भी लिया दोबारा भी आ सकता है। फिर आप इसमें ये देख सकते हैं, व्हाट विल हैपन टू आवर पर्सनल डाटा आफ्टर दिस एक्ट, क्या हमारी जो प्राइवेट प्राइवेसी है वो मेंटेन रहेगी, या फिर RTI एक्ट का क्या असर आएगा इसमें, RTI पे कितना असर आएगा, क्या वो जो है डाइल्यूट तो नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं आपके 15 नंबर के। तो आप कोशिश ये करो कि 12 नंबर का मॉडल आंसर तैयार करो, एग्जाम में नहीं लिख पाओगे जाके सीधा इसको, उसमें तो आपके 2-3 नंबर आएंगे जब सीधा लिखोगे तो। अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये रोजाना जो, आज तो इसमें मेरे ख्याल में 2-3 आर्टिकल हैं, इतने बड़े बड़े रोजाना आ रहे हैं,
एक्सप्लेन पेज पे भी आ गए और भी आएंगे। ये जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो मिडल ईस्ट यूरोप, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये क्या है, कौन से कंट्रीज हैं, कौन सी पोर्ट है, कौन से कंट्रीज रेलवे से जुड़ेंगे, कौन से लैंड रेलवे से जुड़ेगी, कौन से सी से जुड़ेंगे, और इसमें हमारा 10 घंटे का डिस्टेंस कम हो रहा है, जो हमारे स्वेज कनाल से था ना। एक तो वहां स्वेज कनाल में क्या है, वहां पे जो ट्रैफिक का है, रश बहुत ज्यादा है, कई बार एक एक महीना बंद रही है, आपने पिछली बार देखा है 2-3 साल पहले। तो 10 घंटे का फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस भी इतना ही कम हो गया, तो फ्यूल भी कम लगेगा और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा, ये सारा इसका बेनिफिट है। और इसमें चैलेंजेस क्या है और बेनिफिट्स क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का आ सकता है आपको, 10 का तो मैंने कम लिखा है। तो इसकी आप मॉडल आंसर तैयार करके मेरे को भेज दो, आई विल चेक इट। वट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय, वो मैंने बताया था, इसमें भी आया है दोबारा आर्टिकल। तो ये क्वेश्चंस चाहे पिछली बार ना आए हो या इससे मिलता जुलता आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ये मैंने बता दिया। लेकिन जब आप मॉडल आंसर तैयार कर लोगे, आप आराम से 15 में से 11-12 नंबर ले लोगे। मैं बता रहा हूँ आपके 130 भी आ सकते हैं, कम इसलिए आते हैं, आप डायरेक्ट जो है वहां अटेम्प्ट करते हो और 4-5 क्वेश्चन आप छोड़ आते हो बीच में से, वो टाइम की कमी की वजह से भी, क्योंकि आपने 180 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं, सारे कंपल्सरी है। लेकिन कोशिश ये करो कि सारे क्वेश्चन करने के बाद एक दो नहीं आता उसमें बाद में करो उसको, और एक दो लाइन लिखो जरूर उसमें भी, हमें एक दो मार्क्स दे देते हैं यदि एक पॉइंट भी ठीक लिखा आपने। डियर स्टूडेंट्स, अब ये सारा कवर करने के बाद मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो ये है कि भाई रोजाना यदि आप करोगे, देखो हम कहते हैं ना आज का काम कल पर मत छोड़ो, वो सिविल सर्विस के टॉपर के लिए, फर्स्ट रैंक आने के लिए, मैं फर्स्ट रैंक का बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अलाइड में आओगे, उसके लिए रोजाना क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नॉट नॉट ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रिलिमरी के लिए, मेन के भी। मेन में जैसे मैं 4-5 क्वेश्चन रोज दे रहा हूँ, इस तरह से मेरे 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आंसर लिख के लेगा 10-10 मिनट लिखने हैं, कॉम्प्लिकेटेड लिखना, ऐसे नहीं बनाना, हेडिंग लिखना है, छोटे छोटे हेडिंग लिख के उनके एक एक लाइन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग लिख दो, एक लाइन ही लिखनी। तो ये रोजाना करके kisanacademy.com पर मेरे को भेजने, मैं चेक करके भेजूंगा। देखो ये सर्विस कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको 2 लाख रुपए में देगी, हमारा एकेडमी अभी आपको फ्री किया हुआ है। यदि हम इसकी 200-400 रुपए पेमेंट भी लेंगे ना, वो सिर्फ स्टाफ की मेंटेनेंस का लेंगे। मेरे पास बड़ी से बड़ी असाइनमेंट मेरे को ऑफर होती है 2-2-3 लाख रुपए महीने की, लेकिन मुझे पता है कि मैं रोज रोज ये क्वेश्चन दूंगा, ये देने से मैं 2-3 IAS हर साल आराम से बना सकता हूँ, बहुत सारे लाइट भी भेज सकता हूँ, बहुत करियर बना सकता हूँ बहुत बच्चों का इंडिया में। मैं वो नौकरी ज्वाइन नहीं कर रहा, मेरे पास ऑफर स्टैंडिंग है। इससे आप समझो कि 4 घंटे मैं ऐसे क्वेश्चन निकालता हूँ, 100% क्वेश्चन आपके, समझ लो प्रिलिमरी के निकल गए, आपको प्रिलिमरी में जोर लगाने की जरूरत नहीं है न्यूज पेपर में। फिर 1000 क्वेश्चन में मेन के दे दूंगा करंट के, तो करंट का मैं बता रहा था 50% आ गया, मान लिया 400 नंबर में से, जो आपका 500 नंबर का है, 250-250 दो पेपर हुए ना, इनमें बता रहा हूँ 250 का आ गया मान लिया, तो 250 में आपको आराम से जो है 150 नंबर तो वैसे ही ले लोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये है, तो आगे भी जो पेपर है मैं चेक करके बताता रहूंगा, तो आप जो है जितना हो सके इस वीडियो को, आप क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिए, अपना स्कोर चेक कीजिए, इवेल्युएट कीजिए अपने आप को, बाकी मैं चेक कर दूंगा बड़े क्वेश्चन, और शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। दूसरा टेलीग्राम चैनल पर भी रोजाना 2-4 क्वेश्चन मैं ऐसे डालता हूँ जो आपके प्रिलिमरी में आ रहे हैं, चेक करता हूँ पिछले जो मैंने 1 महीने में पढ़ाया ना, वो क्वेश्चन डाल डाल के देखता हूँ क्या आपने वो अटेम्प्ट किए हैं या याद है। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के आप वो रोजाना क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, मैं देख रहा था पिछले 2 दिन से, मैंने वो 50% क्वेश्चन ठीक है बच्चों के, 50% बच्चों के क्वेश्चन ठीक, इसका मतलब अभी भी काफी गैप है, जो मैंने वो उसमें मैं सबसे आसान क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इसका मतलब प्रिलिमरी का रिजल्ट इसीलिए वो आता है 88%, 44% पे या 45%, क्योंकि आप मेरे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, जिस दिन आप मेरे क्वेश्चन 70-80% कर दोगे तो आपके 110+ आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को गौर किया और मुझे उम्मीद है इसको आप अपने जीवन में लागू करोगे और अपने अपना और अपने परिवार का, समाज का, देश का सपना पूरा करोगे। धन्यवाद।